हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डियो में इंजन किल स्विच कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसकी क्या प्रोसेस है और क्या क्या हमें लगने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्विच लगेगा, दो वायर लगेगी 2 से 3 मीटर और एक टेप, और 3 क्लिप लगेंगे जो कि स्विच पर कनेक्ट होंगे और जो इग्निशन रहेगा वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी आपका सवाल रहेगा तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लगने वाला ये सामान है, तो एक ये स्विच लगेगा जो कि 15 रुपीज़ में आता है, और ये क्लिप जो कि 5 रुपीज़ में एक आता है। तो दो तो यहाँ पे लग जाएंगी और दो अपना जो इग्निशन कॉइल होता है वहाँ पे, और ये वायर है 3 मीटर। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पता चल सके कि कैसे स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करने के हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे मैंने क्लिप लगा दी है वायर को और टेप भी लगा दिया है, और ये अपना वायर रेडी हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ना हमें सामने का डैशबोर्ड ओपन करना पड़ेगा, और इसको ओपन करना बहुत ही ईजी है खाली स्क्रू खोलने के। और इसको कैसे ओपन करते हैं आपको नहीं पता रहेगा तो पहले का वीडियो देख लेना, उसमें बताया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हमें कट कर लेने का यहाँ पर बटन के साइज से, जहाँ पर ये अपना इंजन किल का स्विच इंस्टॉल होने वाला है। और यहाँ पे कनेक्शन ऐसे करना ना कि एकदम ये कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिप यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन टूट जाएगा ना तो गाड़ी चालू नहीं होगा, क्योंकि इंजन किल स्विच का ये हम प्रोसेस कर रहे हैं तो कंटिन्यू उसको पावर मिलनी चाहिए, तभी इग्निशन में भी पावर जाएगा। तो इसलिए ये कनेक्शन एकदम सही से करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्विच आ गया है मस्त एकदम। अब वायरिंग इसकी एकदम आराम से, जिधर से ये वायर गेन है वहाँ से एकदम आराम से लेना सामने का ये खोल के, और वायर एकदम अंदर से नीचे से डालना पड़ेगा तभी वो सही से जो इग्निशन कॉइल रहता है पीछे के साइड में वहाँ पे पहुँच सके। बाकी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, देख लेना आपको भी ऐसे ही करने का है, कुछ भी रहेगा तो कमेंट कर लेना। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वायर को मैं कैसे एकदम अंदर से ले रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ सके, और जहाँ पे अपन पैर रखते गाड़ी चलाते समय उसके नीचे से हमें वायर लेके जाने का है। तो इसके लिए ना वीडियो को एकदम सही से देखना, स्किप मत मारना वरना आप मिस कर लोगे जो भी रहेगा वो। तो ये सामने का थोड़ा सा यहाँ पे खोलना पड़ता है वायर अंदर डालने के लिए, बस इतना ही खोलना, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस वायर को यहाँ पे रख के ना खींचना पड़ेगा तभी वो आ जाएगा अपने आप, बस ये खोलना पड़ेगा पीछे का शीट जो भी अपना रहता है जहाँ पे हम बैठते हैं। तो इसको खोलने के लिए हमें चाहिए स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर और 10 नंबर का पाना या फिर टी पाना रहेगा तो भी चलेगा, एक्चुअली वही चाहिए क्योंकि अंदर के 2 स्क्रू भी खोलने पड़ेंगे। तो बस ईजी है इसको खोलना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस 3-4 स्क्रू खोलने पड़ते हैं उसके बाद ये निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे इसको खोल के बाहर निकलना है, और यहाँ पे आएगी अपनी वो वायर या ये साइड से देख सकते हो यहाँ से। तो वायर मैंने डाल दी है यहाँ पे, और इग्निशन कॉइल यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर है, उसका एक वायर हमें निकालने का है ऊपर के साइड का। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है ना, हाथ जाता नहीं, इसके लिए मैं स्क्रू ड्राइवर से ये वायर निकाल रहा हूँ। तो ये वायर निकाल के इसको एक वायर हमें जोड़ने का है, और इसका डायग्राम भी आएगा इसके वीडियो के साथ में, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वायर कहाँ पर लगानी है। और वायर थोड़ी लंबी हो गई थी इसके लिए यहाँ पे मैं लपेट रहा हूँ इसको थोड़ा सा, और दूसरा वायर अपना लगेगा यहाँ पे। यहाँ पे हाथ जाता नहीं है ना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, लेकिन आराम से वायर तो लग ही जाती है थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वायर हमने निकाल दी, वहाँ पर ये क्लिप वाला वायर लगा रहे ताकि एकदम सही से बैठ सके और कनेक्शन किधर भी लूज़ ना रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इग्निशन कॉइल है, यहाँ पे हमने एक वायर लगा दिए, और दूसरी वायर हमें जो वायर निकाली थी उसके अंदर डाल के यहाँ पे टेप मारने का ताकि ये भी सही से हो सके। सो ये क्लिप हमने वहाँ से निकाला था जहाँ पे अभी ये हम येलो कलर का वायर लगा रहे। तो सही से देखना और एकदम सही से वायर लगाना, लूज़ कनेक्शन बिल्कुल भी ना करे, और टेप लगा देना ताकि बारिश से पानी वानी ना लग सके एकदम सही से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्शन कैसे करने का, ये ब्लैक कलर का इग्निशन कॉइल है और ये स्विच जो हमने लगाया, और ये वायरिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह से हमें वायरिंग करनी है। ओके, तो देखो कनेक्शन हो गया एकदम ओके। अभी एक बार चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने चाबी लगाई और गाड़ी ऑन कर रहे तो ऑन नहीं हो रही, और जैसे इग्निशन बटन ऑन कर लेते तो गाड़ी हो जाती है ऑन। तो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, और इसके बाद और भी ऐसी मॉडिफिकेशन के वीडियो आने वाले, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपना सपोर्ट दिखाना ताकि ऐसे एकदम इजी स्टेप वाले मॉडिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आ सकूं।